हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल्स का टाइप, हम लोग दो टाइप होता है ट्राइंगल्स का, एक होता है बेस्ड ऑन साइड्स और एक होता है बेस्ड ऑन एंगल। मतलब साइड के बेस में हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब साइड से हम लोग निकाल सकते हैं और एक एंगल से, और एंड एंगल से हम लोग निकाल सकते हैं। तो साइड से हम कैसे निकालेंगे, साइड में तीन टाइप होता है। स्केलिन ट्राइंगल होता है, आइसोसेलिस ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। तो फर्स्ट स्केलिन ट्राइंगल में देखते हैं। तो स्केलिन ट्राइंगल में क्या होता है, अगर ट्राइंगल का कोई भी साइड इक्वल ना हो तो वो होता है स्केलिन ट्राइंगल। मतलब अगर ये मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे देखिए तीनों का साइड डिफरेंट है। मतलब ये वाला 3, 6 है, ये 2 है, ये 4 है, तो कोई भी किसी से सेम नहीं है साइड। तो ये हुआ स्केलिन ट्राइंगल, मतलब जिसका सारा साइड डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो ये होता है स्केलिन ट्राइंगल। तो सारा साइड अगर डिफरेंट होता है तो सारा एंगल्स भी डिफरेंट ही होगा। साइड अगर डिफरेंट होता है तो उसका एंगल्स भी सारा डिफरेंट होगा। तो ये होता है स्केलिन ट्राइंगल। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे एक एंगल ले लिया, ये वाला एंगल हो गया 30, ये हो गया 70, ये हो गया 80, तो यहाँ पे देखिए तीनों का एंगल भी डिफरेंट है, तो ये हो गया स्केलिन ट्राइंगल, मतलब जिसका साइड सारा अलग अलग हो। तो अब चलते हैं आइसोसेलिस ट्राइंगल में। तो आइसोसेलिस ट्राइंगल में क्या होता है, जिसका दो साइड सेम होगा। दो साइड सेम होगा मतलब ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो ये वाला साइड और ये वाला साइड देखिए, ये दोनों साइड सेम है, इक्वल है। तो ये दोनों साइड इक्वल है, इसीलिए ये ट्राइंगल होता है आइसोसेलिस ट्राइंगल, जिसका दोनों साइड इक्वल हो। तो अगर दोनों साइड इक्वल है तो दोनों एंगल भी इक्वल होगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर मैं सपोज लेती हूँ 30-30 डिग्री, और ये वाला एंगल मैं ले लेती हूँ 120 डिग्री, तो ये दोनों दोनों सेम है, तो ये क्या हो गया आइसोसेलिस ट्रायंगल। ये दोनों एंगल सेम है मतलब ये दो साइड सेम होगा। तो दो साइड सेम होगा और एक अलग साइड होगा, मतलब एक साइड बड़ा होगा नहीं तो छोटा होगा, जो भी होगा लेकिन अलग होगा दोनों से, तो वो होता है आइसोसेलिस ट्राइंगल। अब चलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में देखिए, इक्वल इक्वल मतलब क्या होता है, सारा साइड इक्वल होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो ये क्या हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसका तीनों साइड इक्वल होगा। जिसका तीनों साइड इक्वल होगा वो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अब आई होप आपको साइड से समझ आ गया होगा, बेस्ड ऑन साइड ये वाला आइसोसेलिस क्या होता है, स्केलिन क्या होता है, इक्विलेटरल क्या होता है। अगर तीनों साइड सेम है तो इक्विलेटरल, दो साइड सेम है तो आइसोसेलिस, सारे साइड अलग हैं तो स्केलिन। तो अब पता करते हैं हम लोग एंगल्स क्या होता है, मतलब बेस्ड ऑन एंगल्स में अगर दिया एंगल दिया होगा तो वो कौन से टाइप का ट्राइंगल है, वो अब हम पता करेंगे। तो फर्स्ट एक्यूट एंगल, एक्यूट ट्राइंगल, एक्यूट ट्राइंगल यहाँ पे लिखेगा एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ये एक्यूट ट्राइंगल नहीं, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, क्योंकि ये एक एंगल है एक्यूट, तो इसीलिए एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 से ज्यादा 90 से कम। तो यहाँ पे ये सारा, अगर ये वाला जो एंगल होगा, ये सारा अगर एंगल 0 से ज्यादा होगा और 90 से कम होगा, 0 से ज्यादा होगा और 90 से कम होगा, ऐसा एंगल यहाँ तीनों में लिखा हो तो वो होगा एक्यूट एंगल। तो अगर मैं सपोज देती हूँ यहाँ पे 30, 40, 50, तो ये 0 से ज्यादा, ये मैंने एक रफ एग्जांपल दे दिया आपको, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उससे आपको पता करना है। तो यहाँ पे देखिए 30, 40, 50, ये सारा 0 से ज्यादा है लेकिन 90 से कम है, तो ये क्या हो गया एक्यूट ट्राइंगल, जो 0 से ज्यादा होगा 90 से कम होगा। तो यहाँ पे ये मैंने एक रफ एग्जाम्पल दे दिया है, तो एक्यूट एंगल, आई होप आपको एक्यूट एंगल समझ आया होगा। अब करते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस मतलब क्या होता है, 90 से ज्यादा होगा और 180 से कम होगा, मतलब 90 से ज्यादा 180 से कम, वो होता है ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल के लिए अगर मैंने यहाँ पे कोई एक ट्राइंगल बना दिया, तो यहाँ पे एक जो एंगल होगा, कोई भी यहाँ पे तीनों कॉर्नर में, तीनों में से कोई एक एंगल ऑब्ट्यूस होगा। ऑब्ट्यूस मतलब 90 से ज्यादा 180 से कम, तो
तो मैंने सपोज यहाँ पे ले लिया 120, यहाँ पे ले लिया 30, यहाँ पे ले लिया 30। तो देखिए एक एंगल क्या है, 120 है, जो 90 से ज्यादा है, 180 से कम है, तो ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। तो जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूस होगा, एक एंगल ऑब्ट्यूस होगा और बाकी दोनों एक्यूट होगा। अब चलते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में मतलब इसका मतलब होता है एक राइट एंगल होगा, मतलब ये वाला अगर मैं ट्राइंगल बनाती हूँ उसमें से ये डिग्री जितना भी रहे लेकिन एक फॉर श्योर हमेशा एक 90 डिग्री ही होगा, उसको बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल। आई होप आपको एंगल समझ आया होगा। एक्यूट एंगल मतलब तीनों तीनों साइड, तीनों एंगल जो होगा वो 90 से कम होगा, 0 से ज्यादा होगा, मतलब तीनों एंगल जो होगा एक्यूट होगा। ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल मतलब एक एंगल ऑब्ट्यूस एंगल होगा, मतलब 90 से ज्यादा, 180 से कम होगा। राइट एंगल्ड ट्राइंगल मतलब, राइट एंगल्ड ट्राइंगल मतलब होता है एक एंगल जो भी होगा 90 डिग्री ही होगा। आई होप आपको टाइप्स ऑफ ट्राइंगल समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।